alaikum How are you, children? Oh, I know you are missing your school, uh, but this is all for our safety. So, did you eat your meal today? I just eat curry and rice. And guess what? Today our lesson is about food too. So, take out your books and open unit number one, the restaurant. Listen very carefully, and if you miss anything, you can stop, rewind, and listen again the restaurant amna lived with her parents in a small apartment building on a busy street close to the center of the town her mother and father worked hard at their jobs and amna worked hard at school let me translate it in short that amna apni ammi abu ke a ek chote se apartment mein or thi aur ammi abu dono job karte or aur apni job pe और आमना अपने स्कूल में मेहनत करती थी तो चिल्ड्रन सी मेहनत करना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द वीकेंड आमनाज पेरेंट्स हैड अ लॉट टू डू ऑन सैटरडेज वन ऑफ देम टुक आमना टू द लाइब्रेरी एंड देन टू हर जिमनास्टिक क्लास वाइल द अदर वैन शॉपिंग फॉर फूड देन दे वुड डू द हाउस होल्ड स्पीक टू रिलेटिव ऑन द फोन एंड स्पेंड अ लॉन्ग टाइम प्रिपेयरिंग फूड आमनाज मदर लाइक टू मेक

उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता था उनमें से एक आमना को लाइब्रेरी लेके जाते थे एंड फिर उसके बाद जिमनास्टिक क्लास लेके जाते थे और एक शॉपिंग के लिए चले जाते थे फूड की यानी कि ग्रॉसरी करने के लिए और उसके बाद वो हाउस होल्ड चोर्स यानी कि घर के काम करते थे और स्पीक टू रिलेटिव ऑन द टेलीफोन तो वीकेंड्स पे अपने रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करते थे और वो स्पेंड अ लॉन्ग टाइम प्रिपेयरिंग फूड और ज़्यादा टाइम उनका निकल जाता था खाना बनाने में आमना की अम्मी वीकेंड्स पे बहुत सारी करी बना के इसे पोर्शंस में डिवाइड करके फ्रीज कर लेती थी ताकि आम दिनों में काम से आने के बाद तो पोशन निकाला गर्म किया और फटाफट खाना खा लिया आमना के अबू को खाना अच्छा लगता था मगर उन्हें सिर्फ एक ही डिश बनाने आती थी वो था स्पेशल वेजिटेबल सरप्राइज़ और वो संडे को लंच में हर हफ्ते बनाते थे और उस दरमियान आमना रीडिंग करना पसंद करती थी गेट बैक टू द स्टोरी एवरी वीकडे मॉर्निंग आमना एंड हर लेव द अपार्टमेंट टूगेदर एंड वॉक डाउन द स्टेर्स टू द स्ट्रीट आमना वुड से गुड बाय टू हर पेरेंट्स एंड गो डाउन द स्ट्रीट टू हर बस स्टॉप ही कैरीड हर बुक्स एंड हर लंच बॉक्स ऑफ लेफ्टॉप और फूड फ्रॉम द डे बिफोर एन अ बिग Her parents walked up the road together and went in opposite directions. At the end of the street, her father usually caught a bus and sometimes took a taxi, but her mother always walked. Late in the evening, once everyone was home, her parents would rush around to get everything ready for the next day while cooking rice and reheating that day's portion. While they ate, they would talk about their day. Amna's parents always asked, what happened at the school today? They liked to hear all about it. Then they would talk about their day. Dad often had a funny story to tell about his journey to work, and Mum always laughed and said, Oh dear, you should just walk to work and save yourself all that, that bother. Now, in this para, we learned that weekdays, yani Monday to Friday, Rose Suba, Anna, and parents, exat apartment, from their or सड़क पर चलते हुए आमना को आ, उसके बस स्टॉप पे ड्रॉप करते और खुद अपने अपने कामों पर चले जाते अपनी अपनी जॉब्स पर चले जाते आमना अपने साथ घर का खाना लेके जाती थी उसके वालिद अक्सर बस से ऑफिस जाया करते थे और कभी कभार टैक्सी से जाया करते थे जबकि मदर उसकी जो अम्मी है वो हमेशा पैदल जाया करती थी शाम को घर वापसी पर सब मिलकर खाना खाते और अपने पूरे दिन की रूटीन एक दूसरे से शेयर करते थे मम एंड डैड ऑलवेज टोल्ड आमना अबाउट व्हाट दे हैड ईट फॉर लंच डैड ऑफ वेंट टू आर रेस्टोरेंट टूडे आई हैड सच अ वंडरफुल वेजिटेबल सूप विद अ सॉफ्ट वाम ब्रेड रोल इट वॉज डिलीशियस मम एट इन द कैंटीन एट वर्क समटाइम्स शी डिड नॉट लाइक द फूड टूडे वी हैड मैक्सिकन बीन्स एंड टोटीलाज देर टेरेबल I wish I had taken a packed lunch. On the other days, she would talk happily about the meal she had eaten. The roti and raita that I ate today were delicious. The roti melted away in my mouth. अम्मी अबू हमेशा आमना को बताते थे कि उन्होंने ऑफिस में क्या खाया दुप्पट लंच में और डैड अक्सर रेस्टोरेंट जाते थे, जबकि अम्मी कैंटीन से खाना खाती थी. Sometimes उन्हें कैंटीन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था जैसे कि मैक्सिकन बीन्स एंड टोटिलास, और वो सोचती उन्हें घर से खाना लेकर जाना चाहिए था आम तौर पर वो खुशी खुशी अपने खाने के बारे में बताया करती थी कि रोटी और रायता कितना डिलीशियस था और कितनी सॉफ्ट थी वगैरह सेम डिनर मोस्ट डेज एंड आई बीन टू प्रॉपर रेस्टोरेंट we should take you to a restaurant ted said which one would you like to go to asked mom amna shrugged her shoulders her dad had an idea i will bring home some menus next week and you can choose a restaurant to go to next saturday on friday night the family read through the menu one restaurant served food from all over the world its menu had pictures of famous landmarks on the front amna chose that one and her parents explained all the different dishes to her talked excitedly about the big plates full of delicious food that amna would be able to try amna did not eat eat much dinner that night because she was too excited she read the menu before she went to bed i can't decide whether to have the british fish and chips or the french chicken she said to her mum her mum laughed and joked मे बी यू कैन है मैन्यू एक दिन अचानक आमना कहने लगी कि मैं रोज सेम ही लंच करती हूँ और सेम ही डिनर करती हूँ ज्यादातर और मैं कभी एक प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं गई हूँ उसके बाबा कहने लगे कि हमें फिर तुम्हें रेस्टोरेंट लेके जाना चाहिए मामा ने पूछा कि तुम कौन से रेस्टोरेंट जाना चाहोगी आमना श्रग्ड हर शोल्डर ये एक गेस्टर है लाइक like, जब आपको कोई चीज़ मालूम नहीं होती तो आप कंधे अचकते हैं तो इसका मतलब कंधे झटकना या कंधे अचकाना इट्स अ गेस्टर सेज आई हैव नो आइडिया फिर उसके बाबा ने उसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के मेन्यू ला के दिए एक रेस्टोरेंट जहाँ दुनिया जहाँ के मुख्तफ अकसाम के खाने मिलते थे आमना ने चूज किया और उस मेन्यू की खास बात यह थी कि उसमें खानों के नाम के साथ उन ममालिक के लैंडमार्क्स की फेमस पिक्चर्स भी थी लैंडमार्क्स किसे कहते हैं ये एक्चुअली किसी जगह से मुंसलिक उस जगह की खास मकाम होते हैं जैसे कराची का जिक्र आता है तो हमारे जहन में फौरन ही मजारे आता है खैर उन्होंने वो रेस्टोरेंट चूज कर लिया और वहाँ की मुख्तल किस्म की डिशेस के बारे में आमना को एक्सप्लेन किया खुशी के मारे उस रात आमना से डिनर ही सही तरीके से ना किया गया और बेड पर जाते ही वो फिर से मेन्यू को पढ़कर कल के खाने के बारे में सोचने लगी कि आया उसे ब्रिटिश फ़िश एंड चिप्स ट्राई करना चाहिए या फ्रेंच चिकन ट्राई करना चाहिए और उसकी मामा उसकी एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन देख के हंस पड़ी और कहने लगी कि क्यों ना हर तरह की डिश मेन्यू से ट्राई कर ली जाए चिल्ड्रन वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंट डिशेज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स लाइक मैक्सिकन बीन्स एंड टोर्टिलाज ऑफ मैक्सिको फिश एंड चिप्स from uk and french chicken from france so can you remember some pakistani food hmm biryani dal chawal and a lot more okay get back to the story during the night amna had a dream she walked into the restaurant with her parents and sat at a table covered in a smart white cloth there was a big tray in front of her and a team of waiters started putting food in it amna began to eat first she tried some delicious chinese dumplings and then some spicy italian meatballs amna was happily enjoying the food but the waiter continued to bring her more and more dishes each one piled high with amazing meals amna's mouth was full her stomach was full she wanted to stop eating but the waiters kept bringing more and more food her parents, the restaurant owner, and her head teacher were all standing around the table saying, Eat up, don't waste the food. And the food kept piling up, and Amna had to keep eating. Her stomach had swollen up like a balloon. It was starting to hurt. No more, please, no more, she shouted. Suddenly, Amna woke up. Her bed covers were twisted around her, and her hands were over her mouth. Her mother came into her room. Come on, get ready. We have a lot to do before your special treat, and I need your help. Mum, my stomach hurts," said Amna. You are probably hungry, replied Mum. Think of all the lovely things you can have at lunchtime. Amna groaned quietly and started to get ready. She ate a tiny breakfast and tried not to think about her dream as she helped her parents with the chores. By lunchtime, she was very hungry and was still a bit worried. सो चिल्ड्रन जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो फिर हमें ड्रीम्स भी वैसे ही आने लगते हैं आमना के साथ भी वैसे ही हुआ वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वेटर्स की टीम जो है वो उसे खाना सर्व करती है अगेन यहाँ दो डिशेज का जिक्र है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज चाइनीज डम्पलिंग एंड इटालियन मीट बॉल्स पहले तो आमना खुशी, खुशी खुशी खाना खाती है मगर वेटर्स मुस्तकिल खाना लाए जाते हैं यहाँ तक कि उसका पेट भर जाता है और वो मज़ीद खाना नहीं खाना चाहती मगर सब लोग उसके पेरेंट्स रेस्टोरेंट ऑनर और टीचर्स वगैरह उसे खाने को ज़ाया करने से मना करते हैं आखिरकार वो चिल्ला उठती है कि प्लीज़ नो मोर और नहीं और अचानक आमना की आँख खुल जाती है उसकी अम्मी कमरे में आती हैं और उसे जल्दी तैयार होने का कहती हैं आज आपकी स्पेशल दावत से पहले हमें बहुत सारा काम करना है और मुझे आपकी मदद चाहिए अम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है आमना कहती है तुम्हें शायद भूख लगी है अम्मी कहती हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचो जो आज दोपहर खाने में तुम खाने वाली हो आमना चुपचाप करहाते हुए तैयार हो जाती है और बिल्कुल थोड़ा सा नाश्ता करती है और कोशिश करती है कि वो अपने ड्रीम के बारे में ना सोचे एट द रेस्टोरेंट शी लुक्ड एट ऑल स्ट्रेंज साउंडिंग नेम्स ऑफ द एग्जॉक्टिक डिशेज And listened to her parents talking about what they might have. Her parents seemed very happy, and Amna did not want to ruin it for them. Then she saw something and smiled. When the waiter came to take the order, Amna's father ordered a Moroccan stew, and her mother chose the Russian specialty. And for you, madam? asked the waiter. Amna said, I would like my favorite rice and curry, please. Her parents looked surprised and then laughed. Excellent choice, madam," said the waiter. तो चिल्ड्रन आमना जब रेस्टोरेंट जाती हैं तो डिशेस के अजीबोगरीब गरीब नाम देखती हैं और थोड़ा सा परेशान होती है मगर उसके पेरेंट्स चूंकि खुश होते हैं तो वो उनकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहती और जब वेटर ऑर्डर लेने आता है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि आमना के फादर मॉरकन स्टीव ऑर्डर करते हैं और आमना की अम्मी जो है वो कोई रशियन डिश ऑर्डर करती हैं जबकि आमना क्या ऑर्डर करती हैं सो so, या yeah, आमना ऑर्डर करती हैं करी एंड राइस हर मोस्ट फेवरेट डिश सो चिल्ड्रन होप यू इन्जॉय दिस स्टोरी आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी बिट ऑफ इट टेक केयर बाय फॉर नाउ